एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश कहर बनकर बरसी है। देहरादून में बादल फटने से 7 घंटे इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। घनघोर बारिश के बाद सड़कें बरसाती नदी जैसी नजर आने लगी। उत्तराखंड की राजधानी के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम मच गया। नदी पुल के ऊपर से बहने लगी, जिसके कारण कई गाड़ियां फंस गई। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ के जवानों को आधी रात को सड़कों पर उतरना पड़ा। इस बारिश में देहरादून की शान कह जाने वाले आईटी पार्क समंदर में तब्दील हो गया। हालांकि ये आफत अचानक नहीं बरसी थी, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 26 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। चेतावनी के पहले ही दिन देहरादून में बादल फट गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। इस पर प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। इस दौरान राहत बचाव दल को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर बात राजधानी दिल्ली के मौसम की करें तो दिल्ली एनसीआर में गत दिनों हुई तेज बारिश के बाद उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी है। अगले 24 घंटे में पारा और चढ़ने का अनुमान है और 2 दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि शुक्रवार से रविवार तक फिर बारिश के आसार जताए गए हैं, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बदलते मौसम का प्रभाव दिल्ली एनसीआर की हवा पर भी पड़ रहा है। इस कड़ी में मंगलवार को दिल्ली एनसीआर की हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली का AQI 100 रहा। सबसे खराब हवा गाजियाबाद की रही। गाजियाबाद का 136 AQI दर्ज किया गया। हालांकि अगले 24 घंटों में हवा की स्थिति में बदलाव की संभावना है। सफर इंडिया के मुताबिक अगले 24 घंटों में हवा की गुणवत्ता में प्रभाव पड़ेगा। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में कहां कहां बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई भागों में आज कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर, मध्य भारत और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी भारत, बंगाल के सब हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में 27 अगस्त तक बारिश होने का अनुमान है। असम और मेघालय के अधिकांश हिस्सों में भी आज 25 अगस्त को तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा यूपी, बिहार और उत्तराखंड में 27 अगस्त तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भी अगले 5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 26 और 28 अगस्त तक केरल में भी हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान में भी इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम से जुड़ी सारी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें।